देश में 39 दिन बाद एक और चुनावी नतीजे आए। ये नतीजे विधानसभा उपचुनाव के हैं, जो 7 राज्यों की 13 सीटों के हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सत्ता के इस नंबर गेम को सियासत के फिटनेस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। सवाल था कि इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ेगा या लोकसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए को उपचुनाव के नतीजों का बूस्टर डोज मिलेगा, और अब इन सवालों के जवाब देश को मिल गए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले सियासी स्ट्राइक रेट पर एक नजर डाल लेते हैं। जिन 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उनमें से सिर्फ 2 सीट पर एनडीए को जीत मिली, जबकि इंडिया को 10 सीटों पर जश्न मनाने का जनता ने मौका दिया। इसके अलावा 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को भी जीत मिली है। उपचुनाव में एनडीए को 2 सीट मिली है। इस तरह से इसका स्ट्राइक रेट करीब 15% के आसपास है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 75% के धुआंधार स्ट्राइक रेट से इस परीक्षा को पास कर लिया। अलग अलग राज्यों में पार्टी का स्कोर कार्ड कैसा रहा, चलिए ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश की, क्योंकि यहाँ बीजेपी ने जीत हासिल की है। उसने कांग्रेस के गढ़ रहे छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में शामिल अमरवाड़ा सीट से जीत हासिल की, जो कभी कांग्रेस के पास हुआ करती थी। लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में लगा है, जहां 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने क्लीन स्वीप कर बीजेपी को क्लीन बोल्ड कर दिया। इनमें से 3 सीट ऐसी थी जो पहले ही बीजेपी के पास थी। इसी के साथ एक और बड़ा खेल बिहार में हुआ, जहां जेडीयू और आरजेडी देखते रह गए और बाजी निर्दलीय उम्मीदवार ने मार दी। 13 में से इकलौती एक ऐसी सीट है जहां निर्दलीय ने जीत हासिल की है। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में 1 सीट पर हुए उपचुनाव में झाड़ू का जादू चला और जलंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली। तो वहीं कांग्रेस ने पहाड़ों में कमाल कर दिया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 3 सीट में से उसे 2 सीट पर जीत मिली, जबकि बीजेपी को 1 सीट पर ही संतोष रहना पड़ा। बात उत्तराखंड की करें, तो लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को उपचुनाव में कांग्रेस ने खाली हाथ भेजा और दोनों सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा तमिलनाडु की सीट इंडिया गठबंधन की डीएमके के पास चली गई। इसी के साथ एक और बात जान लेते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद पहले चुनावी नतीजे में क्या संकेत है। नंबर 1, इंडिया गठबंधन की सत्ता कई राज्यों में पहले से मजबूत हुई। नंबर 2, 13 विधानसभा सीटों के परिणाम बीजेपी के लिए मंथन का विषय बन गए। नंबर 3, यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन गई। नंबर 4, पश्चिम बंगाल में दीदी के सियासी किले की मजबूती बरकरार है। नंबर 5, उत्तराखंड लोकसभा चुनाव की क्लीन स्वीप के बाद विधानसभा उपचुनाव में हार बीजेपी को झटका। नंबर 6, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में हार कांग्रेस को बीजेपी पर कटाक्ष का मौका मिल गया है। नंबर 7, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट कांग्रेस से छीनकर बीजेपी ने बताया एमपी का किला 100% मजबूत। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube, Facebook और Instagram पेज को फॉलो कीजिए।